दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक 50,000 की नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। दरअसल दिल्ली पुलिस साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ को जानकारी मिली थी कि कई संगीन मामलों में फरार चल रहा चांद उर्फ मटरू नई फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में आने वाला है। रात करीब 1:30 बजे के आसपास अपने एक साथी जवाहिद के साथ बाइक पर सवार होकर चांद उर्फ मटरू न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पहुंचा तो पहले से घात लगाई पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। बदमाश ने खुद को घिरता देख मटरू ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। कुल 5 राउंड फायरिंग हुई। गनीमत यह रही कि दोनों तरफ से कोई भी घायल नहीं हुआ। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद चांद उर्फ मटरू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी जाहिद फरार होने में कामयाब रहा।